कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय कपूर को बीजेपी की सदस्यता मिलने के बाद बीजेपी में खुशी की लहर है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी में लोग मायूस हो गए हैं। हालांकि अगर इस बात को लोकसभा 2024 के चुनाव से जोड़ा जाए तो कानपुर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के राजनीतिक लोगों का यह अनुमान है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कानपुर से टिकट अजय कपूर को मिल सकती है। रविवार को परेड स्थित बीजेपी कार्यालय में उनके स्वागत में जिला अध्यक्ष दीपू पांडे सहित कई भाजपाई पहुंचे, लेकिन कोई भी बीजेपी विधायक या वरिष्ठ नेता नहीं दिखाई दिया। इससे ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी में सदस्यता मिलने पर अजय कपूर से भाजपा के कुछ नेता नाखुश हैं। हालांकि अगर अजय कपूर के राजनैतिक करियर की बात करें तो अजय कपूर ने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिससे उन्होंने कानपुर की जनता का दिल जीत रखा है। बीजेपी कार्यालय में पहुंचे अजय कपूर ने मीडिया से बातचीत करते हुए पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह सहित सभी का धन्यवाद किया। महानगर के हमारे परिवार में भारतीय जनता परिवार में सम्मिलित हुए। आज भारतीय जनता पार्टी कानपुर महानगर उत्तर के इस कार्यालय में माननीय अध्यक्ष जी द्वारा उनका अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूँ रवि पांडे जी स्वच्छता अभियान के हमारे जिले के संयोजक हैं, राघवेंद्र मिश्र जी हमारे प्रभारी, मीडिया संपर्क दीपक चौहान जी, आकाश शुक्ला जी एडवोकेट उपाध्यक्ष भी, श्याम जी हमारे मीडिया का काम देखते हैं, उमेश गुप्ता जी बैठे हुए हैं, कानपुर के वरिष्ठ जनसेवक के रूप में जिन्होंने पिछले लगभग 40 वर्षों में सक्रिय राजनीति में समाज के मोदी जी और माननीय योगी जी माननीय अजय कपूर जी को अपने बीच पाकर हम सब लोग बहुत प्रसन्न है, उनका हृदय के अंतर्मन से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दूसरे दल में काम करते रहे हूँ, लेकिन जैसा कि राजनीतिक दलों में एक सामान्य शिष्टाचार का भाव होता है, हम लोगों के हमेशा मधुर संबंध रहे, कभी चुनाव को छोड़कर हम लोगों में कभी कोई किसी प्रकार की प्रतिद्वंदता पर न कभी दिखाई पड़े करने वाले वहां पे सम्मानित पद पर स्थापित होने के बाद आज जब देश विकास की ओर अग्रसर की सुरक्षा तक और इसके साथ साथ भारत के मान सम्मान की पुनर्स्थापना के लिए जो सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना हो रही है, इन सब से प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना शेष राजनीतिक जीवन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों नीतियों के साथ काम करने का, उसको समर्पित करने का जो निर्णय लिया है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने परिवार में उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। चलो भेज देंगे तुम हां वीडियो हम सब देखो रॉयल रॉयल करके एक गेस्ट हाउस है, एक मिनट से रॉयल एस रॉयल ग्रीन कार्ड करा दो अभी करना भारतीय जनता पार्टी अपने साथ मैं ज्वाइन किए तो मुझे 5 दिन हो गए। आज मैं अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय उत्तर के सम्मानित अध्यक्ष माने दीपू पांडे जी
और सारे इस पर अपने परिवार के बीच में सबने इतना स्नेह प्यार दिया, इसने लेने के लिए भी आया हूँ। और हम सब मिलकर आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, सम्मानित सारे नेताओं के नेतृत्व में एक कार्यकर्ता बनकर एक बार फिर से इस देश के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए और उस युग पुरुष के लिए, आदरणीय मोदी जी के लिए, जिनके परिवार के हम सदस्य बने, हम मिलकर काम करेंगे। और आने वाला सीधा सीधा आपको भी मालूम है कि कौन सी सीटें कितनी होंगी, तो इस बार कौन सा नारा है 400 पार का, उस नारे को भी बूट करेंगे। आज कानपुर महानगर ही नहीं, प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता और कानपुर के बहुत प्रतिष्ठित जनसेवक पूर्व विधायक आदरणीय अजय कपूर जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए। हम कार्यकर्ताओं ने उनको यहाँ पे अभिनंदन किया है, उनका स्वागत किया है। और हम महसूस कर रहे हैं कि कानपुर में आदरणीय अजय जी के आ जाने से भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना लक्ष्य रखा था कानपुर को 5 लाख से जीतने का, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतने का, और इस बार मोदी सरकार 400 पार, इसमें बहुत योगदान, हमें बहुत सहयोग मिलने वाला है। और कम से कम कानपुर के बारे में मैं यह कह सकता हूँ कि आदरणीय अजय जी जिस राजनीतिक दल में काम करते थे उसके वो प्राण तत्व थे, अब उस पार्टी से प्राण निकल गए हैं। 4 जून को विधिवत इसकी घोषणा हो जाएगी कि अब कानपुर में कांग्रेस समाप्त हो गई है, भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व मतों से विजय करने वाली है। मैं बस आज इतना ही कहना चाहे कहते हुए आदरणीय अजय कपूर जी का अपने परिवार में हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.